इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कानून व्यवस्था के सवाल पर सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। योगी ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध में हमेशा ही समाजवादी पार्टी के लोग ही पाए जाते हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान का जिक्र किया और उस पर हमला बोला। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद किया तो अब खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानूनी शिकंजे लगाने की तैयारी कर ली है। आज यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच लव जिहाद के खिलाफ नया बिल पास हो सकता है, जिसके तहत लव जिहाद का आरोप साबित होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी में किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य था, झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया था। विधेयक में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब कानून को सख्त करके उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया, यानी सजा का प्रावधान अब दोगुना कर दिया गया है। तो लव जिहाद के दायरे में क्या कुछ आता है? छिपाकर धर्म बदलवाना, झूठ बोलकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना, इसके साथ ही डर दिखाकर धर्म बदलवाना, ये भी लव जिहाद के दायरे में आता है। बल प्रयोग से शादी करना। हमारे साथ मोहसिन रजा जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं। मोहसिन जी, जिस तरीके से ये कानून आया, आखिर क्या वजह पड़ी कि इसको उम्र कैद तक बदलना पड़ा? और कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार इस तरीके के कानून और इस तरीके की बातें कर रही है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले जो सरकारें थीं उस दौरान बड़ी शिकायतें आया करती थीं अवैध धर्मांतरण की। जब आदरणीय योगी सरकार 2017 में आई तो हम सख्त कानून लेकर आए और आज अवैध धर्मांतरण बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रुका। इसीलिए जरूरत है इस बात की कि एक सख्त कानून लाया जाए लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद को किसी धर्म से जोड़कर देखना ये विपक्ष देख सकता है, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको ये बहुत भाता है, बहुत सूट करता है इस तरह की बातें करना। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास और सबको सुरक्षा देना, सबको व्यवस्था देना, क्योंकि ना उन्होंने सुरक्षा दी थी ना वो व्यवस्था दे पाए, इसीलिए वो सत्ता से बाहर हैं। तो विपक्ष इस पर इसलिए चीख पुकार करता है क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि हमारी बेटियां सुरक्षित हों, हमारी बेटियों के साथ इस तरह का कोई कृत्य ना हो सके, कोई अपना नाम परिवर्तन करके और बच्चियों की जिंदगियों से खेले। हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के लोग जो नाम बदलकर बच्चियों को बहला फुसला कर और उनसे विवाह करने के बाद छोड़ देते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इस तरह की चीजें नहीं रुक पाएंगी, जैसे लव जिहाद नहीं रुक पा रहा था। लव जिहाद को रोकने के लिए आदरणीय योगी सरकार ने सख्त कानून बनाया, रुक गया। ऐसे ही आदरणीय योगी सरकार ने ये कानून जनहित के लिए बनाया है, ये सर्वधर्म के लिए है, किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं बनाया गया है। विपक्ष ये सब चीजों पर जानबूझ कर इस तरह की बातें करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कानून व्यवस्था बेहतर हो।
कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, 2020 में हालांकि कानून लाया गया था जिसको और सख्त करने की तैयारी अब सरकार की दिख रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि अब जो सजा है वो उम्र कैद, मैक्सिमम उम्र कैद की हो गई। देखिए, इसमें दो बड़े अहम संशोधन है। पहला संशोधन यह है कि जो 10 साल की सजा है उसको उम्र कैद तक में बदला जाएगा, ये एक बड़ा संशोधन है। और दूसरा ये है कि पहले जो कंप्लेनेंट था वो सिर्फ परिवार का कोई सदस्य हो सकता था जिससे ब्लड रिलेशन हो, माँ बाप, भाई बहन, इस तरीके के, लेकिन अब कोई भी अगर शिकायत करेगा तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा अहम संशोधन है। देखिए, इसके पीछे की वजह भी, 2020 से लेकर के 2024 चार साल हो गए, लेकिन अभी तक ये डेटा मौजूद नहीं है कि क्या ये कितना बड़ा डिटरेंस साबित हुआ है। लेकिन सरकार के कई लोग, खास करके पूर्व मंत्री, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये हम लोग इसको 2020 में लेकर के आए थे, ये अच्छा भी रहा, लेकिन ये पूरी तरीके से डिटरेंट साबित नहीं हो पाया है, इसलिए संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इसमें एक और पहलू है, और वो पहलू ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उग्र हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट की बात आई, और अब इसी कानून को और कड़ा किया जा रहा है, तो जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर थोड़ा भी संकट आता है वो कहीं ना कहीं उनका वो उग्र हिंदुत्व का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है, और बहुत सारे लोग इसको उस नज़रिए से भी देख रहे हैं। हालांकि ये कानून पहले से है, फिलहाल उस कानून के डिटेल्स अभी तक ये नहीं आए कि आखिर उसमें कितने लोगों को पकड़ा गया, कितनों को सजा हुई, इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन नए तरीके से संशोधन की शुरुआत हो गई और दिन के 2:30 बजे के आसपास इस पर चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि संशोधन विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ रहा है, और इस पर हो सकता है कि इस पर चर्चा हो और आज इस बिल को पास कराया जा सकता है। तो मुख्यतः दो चीजों पर ध्यान रखना। सांसद इमरान मसूद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। नेता इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के विधेयक पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उम्र कैद जैसी सजा होगी, आखिर ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं लव जिहाद को कोई अच्छी चीज़ नहीं मानता कि लव जिहाद नाम जहाँ से लेके आए। लव जिहाद मतलब क्या है? क्या इस देश के अंदर हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं करी, या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं करी? लगातार पहले से हो रहा है, कोई आज कोई नया थोड़ी ना हो गया इसके अंदर। पहले अपनी पार्टी के अंदर देख लें उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे जो इनकी पार्टी के अंदर है। तो ये चीज नहीं है। बात आज इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो देश के अंदर है, जो भीड़ अनियंत्रित होकर के काम कर रही है, सबसे पहले उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम करें, कानून उसके ऊपर लाए सख्त। नहीं, धर्म परिवर्तन को लेकर के भी कहा गया कि इस पर भी जो फंडिंग हो रही है उस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। कोई फंडिंग नहीं हो रही है। इनके पास कौन से इनपुट्स हैं, कहां से ये लेकर आते हैं, कहां से बनाते हैं, इनका अपना एजेंडा है, केवल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, और नफरत का एजेंडा है, देश के अंदर मुसलमान को टारगेट करके नफरत करते हैं, इसके अलावा कुछ इस तरीके के एजेंडे किस वजह से किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आखिर ऐसा है, 43 सीटें 43 सीटें हारे हैं, हार की बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले लोगों से बताए ना, गन्ने का किसान का भुगतान का क्या हुआ, नौजवान के रोजगार का क्या हुआ? ना किसान पे बात करेंगे, ना नौजवान पे बात करेंगे, बस मुसलमान मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या इस मुद्दे को आप लोग संसद में उठा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून केंद्रीय कानून है, उनके ऊपर दूसरे कानून नाफिज नहीं हो सकते, अभी देखते हैं इनमें क्या हो सकता है। वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा इस मसले पर, हमारे सहयोगी जितेंद्र की रिपोर्ट। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद जी, सर इस तरीके का विधेयक लाया जा रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी, बहुत खराब है। सबसे ज्यादा तो किसान की हालत खराब है, किसान परेशान है, उसकी तरफ कोई समस्या का निदान नहीं है। हमारे गौशालाओं में बड़े पैमान में रोज गायें भूख से मर रही हैं, पानी नहीं हो, तार नहीं है, दवाई नहीं है, जीसीबी खड़ी हुई उनको गाड़ दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये तमाम समस्याएं हैं, इस समस्याओं को निवारण करने के लिए, निजात पाने के लिए सरकार के पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए लव जिहाद और क्या 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 इसी में लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए, महंगाई की चर्चा न हो, बेरोजगारी चर्चा न हो,
किसानों को फसल की चर्चा न हो और ये ट्रांसफार्मर जल रहे इसकी चर्चा न हो। अब लव जिहाद पे चर्चा तो लोगों को ध्यान से बताने के लिए दूसरी तरफ चर्चा हो इसलिए किया गया है, यही है। तो संशोधन जो किए गए हैं उसमें अहम ये कि उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान लव जिहाद पर है, कहां कहां कानून ये लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में लव जिहाद पर कानून लाने का प्लान है। दायरे में क्या कुछ आता है लव जिहाद के? पहचान बदलकर शादी करना, झूठ बोलकर जबरन धर्म बदलवाना, छिपाकर धर्म बदलवाना, धर्म बदलने के लिए दबाव डालना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना, ये सब लव जिहाद के दायरे में आता है। डर दिखाकर धर्म बदलवाना,